तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, एंड आप देख सकते हो एलिवेशन कितना अच्छा दिया गया है, बीच में इसके ग्रीन बेल्ट्स दी गई हैं टू फील दिस ग्रीनरी, एंड जो ये वॉकिंग स्पेस रहने वाला है वो 64 फीट वाइड रहने वाला है। काफ़ी लोग यहाँ पे आके बस चुके हैं यहाँ पे, प्लस ये रेडी टू मूव है, एंड ये आपकी फ्रंट बालकनी रहने वाली है, इसके साथ साथ बैक पे भी एक बालकनी है। ये घर टू साइड ओपन रहने वाला है, जिसका एरिया, इस घर का बेसिकली जो एरिया रहने वाला है वो 195 स्क्वायर गज का है। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, मैं गुरसिमरन कौर, वेलकम बैक टू बस चेक प्रॉपर्टीज़। आज मैं आपके साथ ऐसी प्रॉपर्टी शेयर करूंगी जिसके आसपास इतना ग्रीन एरिया है। नॉर्मली आजकल लोग थोड़ा सफोकेटेड फील करते हैं कि ऑलरेडी कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और ग्रीन एरिया ख़त्म होने पे है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने ग्रीन एरिया को रिजर्व करके रखा है, वो भी 300 एकड़ की लैंड में, इमेजिन। एंड ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये आपकी जो लोकेशन पड़ती है ये सेक्टर 5 जीरकपुर है, एडजॉइनिंग टू सेक्टर 20 पंचकुला, एंड आगे फ्यूचर में इसका PR7 से भी लिंक होने वाला है, एंड गेटेड सोसाइटी रहेगी, प्लस इतनी क्लीन वाली सोसाइटी है, क्लीनिनेस जिसको कहते हैं, सोसाइटी बहुत साफ़ सुथरी है। एंड ये हमारा जो है ये स्टिल्ट प्लस 4 का कंसेप्ट है, स्टिल्ट पे एज इट इज़ जैसे पार्किंग होती है 2 कार्स की आपको पार्किंग मिलेगी, प्लस जो ये लैंड है इस सोसाइटी में 250 फ्लैट्स है, 7 एकड़ की लैंड रहने वाली है, सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा, बूम बैरियर्स रहेंगे, एंड एज मैंने आपको बताया जैसे गेटेड सोसाइटी रहेगी, एंड विद लिफ्ट। जनरली लिफ्ट नहीं मिलती है स्टिल्ट पार्किंग्स पे, बट इसके साथ एक बिल्डिंग पे 8 फ्लैट्स रहेंगे विद लिफ्ट। इस सोसाइटी में आपको क्लब हाउस भी मिलने वाला है, क्लब हाउस में आपको जिमनेजियम और मेडिटेशन सेंटर भी है। कौन नहीं चाहता कि आजकल इतनी भागदौड़ ज़िंदगी में थोड़ा रिलैक्स होना, सो मेडिटेशन सेंटर भी रहेगा, प्लस ओपन जिम भी है, एंड जो मेंबरशिप है क्लब की वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जनरली पेड होती है, बट ये प्रोजेक्ट आपको जो मेंबरशिप है वो फ्री में दे रहा है, एंड बैटरी बैकअप भी है 3 KV तक। सो फ्रेंड्स, ये आपकी सोसाइटी है, जैसे कि आप देख रहे हो जो ये रोड है ये 64 फीट वाइड रोड है, प्लस यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी दी गई है सेंट्रली, आप देखिए जैसे, सो बेसिकली ये गुड फील देता है, ग्रीनरी रिप्रेजेंट करता है, प्लस ये आपका रहेगा स्टिल्ट पार्किंग, ये लिफ्ट एरिया हो गया, सिंगल लिफ्ट प्रोवाइड करी हुई है, प्लस ये स्टेयरकेस है, बट हम लिफ्ट से जाएंगे आज, आइए। सो फ्रेंड्स, ये अपना कॉरिडोर एरिया रहने वाला है, ये जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिफ्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्लस ये आपको जो है ये आपको स्टेयरकेस, आप देख रहे हो ये आपका स्टेयरकेस रहने वाला है, ये आपका घर की एंट्रेंस है जिसमें हमने बायोमेट्रिक लॉक आपको दिया है, ये OTP से जनरेट होगा, प्लस इसमें थंबप्रिंट का ऑप्शन भी रहेगा, सो लेट्स गो। ये आपका रहने वाला है डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग रूम एरिया, जिसका साइज़ 18x20 का रहेगा, एंड ये जो फ्लोरिंग है बेसिकली ये 2x4 की टाइल्स हैं, एंड आप देख रहे हो जिसकी सीलिंग, ये सीलिंग आपको एज इट इज़ मिल रही है, नॉर्मली घरों में फॉल सीलिंग का प्रोविज़न नहीं देते हैं, बट इस प्रोजेक्ट में आपको विद फॉल सीलिंग मिल रही है, प्लस जैसे कि देखिए स्पेस इतना अच्छा है, ये आपका एक टेंटेटिव आपको आइडिया हो जाता है बेसिकली कि आप अपना फर्नीचर को कैसे प्लेस कर सकते हो। सो अब हम चलेंगे अपनी किचन की तरफ, आइए। ये हमारी किचन रहने वाली है, जिसका साइज 8x8.5 फीट का रहने वाला है, ग्रेनाइट की स्लैब मिलेगी, और ये मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर फिटिंग्स दी गई हैं, प्लस आप देखिए आपको सेरेमिक का बाउल दिया गया है जो कि साउंड प्रूफ है, जनरली फ्लैट्स में स्टेनलेस स्टील होता है बट ये सेरेमिक प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस ये आपका रहने वाला है पेंट्री यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहेगा बट बाकी जो इसका यूनिट है टॉल यूनिट ये आपको मिलेगा, यूटिलिटी काउंटर इसके साथ मिलेगा आपको, ये बालकनी रहने वाली है इसकी, UPVC डोर्स है, एंड ये आपका रहने वाली है बालकनी जो 6 फीट वाइड है। इसका एक बेनिफिट ये होता है UPVC विंडो का,
कि ये साउंड प्रूफिंग होता है, बाहर से कोई आवाज अंदर नहीं आ सकती, अंदर से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती, ये मेन बेनिफिट रहता है। आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में, जिसका साइज 12x12.5 का साइज रहने वाला है। फ्लोरिंग आपको एज इट इज 2x4 की मिल रही है एंड आपकी जो फॉल सीलिंग है वो इंक्लूड है इसमें। इसके साथ ही आपको वार्डरोब मिल रहा है जो कि लैमिनेटेड फिनिश है, सिंगल शटर एंड डबल शटर एंड नीचे ड्रॉर्स का सिस्टम दे रखा है, सो दैट शू रैक के लिए या फिर कुछ भी आपको अपनी जरूरतमंद चीजें रखनी है उसके लिए ड्रॉर सिस्टम। ये आपकी बालकनी रहने वाली है जिसके साथ आपको मेश डोर भी प्रोवाइड किया गया है, सो दैट कोई भी फ्लाइज या मस्किटोज अंदर ना आ सके, ये इजीली ऑपरेट हो जाता है। ट्रैक लगा हुआ है इसका, प्लस ये आपका UPVC विंडो रहने वाला है जो कि किचन से ये बालकनी कनेक्ट रहेगी और देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है बाहर का यहाँ से। बेसिकली ये फ्लैट आपका डबल साइड ओपन रहने वाला है प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन के साथ, एंड प्लस आपको वॉशरूम दिखाते हैं, सो ये बेसिकली वॉशरूम रहने वाला है आपका। फ्लोरिंग आपको करके दी जाएगी, टाइल्स वॉल टाइल्स आपको साथ में, प्लस आपका जो WB है वॉश बेसिन ये आपको जैगुआर का मिल रहा है, एंड ये आपका WC है जो कि गैब्रेट का मिल रहा है, बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं। ये बेडिंग एरिया होगा आपका शॉवर पैनल के साथ प्रॉपर, एंड फॉल सीलिंग इसकी रहने वाली है ग्रिड सीलिंग। जनरली ये जो चौगाठे मिल रही है ये आपको वुडन चौगाठे मिल रही है। ये आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है, इसका साइज है 11x14, बहुत अच्छा साइज है। देखो आप यहाँ पे किंग साइज बेड भी लगा सकते हो, क्वीन साइज विद साइड टेबल्स प्रॉपरली आ रहे हैं, एंड उसके साथ आप अपनी एक चेयर भी लगा सकते हो, सिटिंग बना सकते हो। ये बेसिकली आपको तभी दिखाया जा रहा है सो दैट आप प्लान कर सको कि आप अपनी फर्नीचर प्लेसमेंट्स कैसे कर सकते हो। ये आपका ड्रेसिंग एरिया रहने वाला है, वॉक इन वार्डरोब एरिया, प्लस ये आपका वॉशरूम रहने वाला है इसके साथ ही बिल्कुल। टाइल्स इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन में एज इट इज आपको ऐसे ही मिलेगा। आइए ये इसका बालकनी रहने वाली है, व्यू देखो कितना अच्छा, अभी से आप इस एयर को महसूस कर सकते हो। 6 फीट की वाइड बालकनी रहने वाली है सिटिंग स्पेस के साथ, आप अच्छे से अपना वेदर को इंजॉय कर सकते हो। अब हम चलते हैं आपके किड्स बेडरूम में, जिसका साइज रहने वाला है 11x14। अगेन टाइल्स आपको मिल रही हैं साथ में, फॉल सीलिंग आपको मिल रही है साथ में, प्लस आपको वार्डरोब भी मिल रहा है यहाँ पे। और इन घर की बेसिकली इस घर की ये खासियत है कि कोई भी वार्डरोब देखिए अंदर को नहीं कवर करती, सो दैट एक कहते हैं ना कि क्लटर सा लगता है कि वार्डरोब जब अंदर आ जाता है तो जगह बहुत ही कंजस्टेड से लगती है, तो हमने इसमें जो वार्डरोब है वो उसका प्रोविजन ऐसे बाहर को दिया गया है, अंदर सिर्फ आपको शटर्स ही दिखेंगे ऐसे करके। इसके साथ भी बालकनी अटैच रहने वाली है उस तरफ, 2 रूम्स के साथ ये कनेक्टेड रहेगी बालकनी। ये आपका वॉशरूम रहने वाला है, वॉशरूम की फिटिंग्स जागुआर रहने वाली जैसे कि आपको मैंने बताया है, प्लस इस वॉशरूम का एक कनेक्टिविटी है जो कि कॉमन ड्यूल डोर के साथ आपको दी जाएगी, सो दैट गेस्ट को अगर यूज करना है तो वो भी इजिली यूज कर सके। एंड इसके जो हमारे स्विचेस रहेंगे वो LNT के रहेंगे, LNT एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है जिसके आपको स्विचेस प्रोवाइड कर रहे हैं विद वारंटी। सो कैसा लगा आपको घर बताइए, एंड थोड़े से अपने रिव्यूज़ दीजिए कि आपको और कैसे घर देखना पसंद है हमारे साथ, हम आपको वैसे ही प्रॉपर्टीज़ को दिखाएंगे। एंड आपको कोई भी अगर फर्दर रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लस हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हमें बताते रहिए। एंड बाकी अगर कुछ भी इंटीरियर से रिलेटेड भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।